आप सभी लोगों का हमारे समाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को ये फ्लावर दिख रहे होंगे, हेलीक्रिसेंथिमम, स्टार फ्लावर भी कहते हैं और पेपर फ्लावर भी कहते हैं। और ये इसकी खास बातें क्यों है, ये पेपर की तरह आवाज़ करते। देखिए ये देखिए, मेरे थोड़े एक मेरा शैतान बच्चे ने पानी इसमें डाल दिया है तो कुछ इसकी आवाज़ कम हो गई। देखिए इनके, देखिए ये देखिए, देखिए ये देखिए, ये इसको हम लोग इसीलिए स्टार फ्लावर एंड पेपर फ्लावर भी कहते हैं। और बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं और काफ़ी दिन चलते हैं फ्लावर, एक एक महीने डेढ़ डेढ़ महीने ये फ्लावर बने रहते हैं। अब मैं स्पेशली आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है, मुझे क्वेश्चन किया, मुझसे कमेंट्स किया है कि ये फ्लावर बारह महीने फूल देते हैं ये पेड़। तो मैंने, नहीं ये बारह महीने नहीं देते हैं, मगर हार्डी प्लांट बहुत होता है, इनको गर्मी बहुत पसंद है। ये आपको मई तक फ्लावरिंग करेंगे और ये 15 अगस्त में इसकी नेक्स्ट सीडलिंग इसकी होने लगती है। जब आप 15 अगस्त के बाद से आप सीडलिंग इसकी कर दीजिए, ये आपको दिसंबर की लास्ट वीक से आपको ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। और बहुत फ्लावरिंग, देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग करते हैं। देखिए ये छोटा सा मेरा पेड़ है और देखिए फ्लावर कितना सारा, सारे में फ्लावर ही फ्लावर है। देखिए सारे, अब ये सीड बनने का टाइम आ गया है, ये सीड्स बनेंगे और ये सीड्स आप मार्च में अप्रैल में इसकी कलेक्ट कर सकते हैं, अभी भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने इसमें पहला फ्लावर रह जाता मैं उसको छोड़ देती हूँ, उसी का सीड्स बनते हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगी ग्रो करना, तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, मैं तब भी आपको बता देती हूँ। इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वाटरिंग करिए, मगर इसको भी वाटरिंग बहुत अच्छी है, मगर इतने से वाटरिंग लीजिए, इसकी नमी रहनी चाहिए इसके मिट्टी में, इसलिए ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी फूल तो देखिए, ये हमारे साउथ अफ्रीका का फ्लावर है, वहाँ ये देसी फ्लावर के नाम से कहलाया जाता है वहाँ का। और ये हमारे यहाँ भी ये ग्रो हो, बहुत हार्डी प्लांट है ये, तो ये गर्म जगह में पाए जाते हैं और ये गर्मी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, मभी अप्रैल मई तक। इसलिए आप इसको सर्दी में लगाइए और गर्मी में इनके फ्लावर लेते रहिए, अप्रैल तक फ्लावर, मई तक भी दे सकते हैं। देखिए ये देखिए खूबसूरत। मैं अब आपके इसके सीड्स के बारे में बता दूं आपको, मैं देखिए सीड्स का तरीका बता दूं कि मैंने कुछ निकाल के रखे, जैसे कि ये फ्लावर है आपका, देखिए ये फ्लावर है, मैं इसके तोड़ूंगी ऊपर से, ऊपर का जो पोर्शन है उसका वो सीड है। ये देखिए पानी पड़ा है लग रहा है इसमें, ये देखिए ये इसके सारे सीड्स हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके सीड्स हैं। और मैं आपको और दिखा दूँ इसमें से निकाल के, इसे पानी पड़ गया है तो कुछ इसके सीड देखिए ये दिख रहे हैं इस तरह से सीड्स के, ये इसमें दिख नहीं पा रहा होगा आप लोगों को, मैं दूसरा फ्लावर में निकाल के दिखा रही हूँ, सब गीले हो गए हैं। ये देखिए ये सीड्स होते हैं इसके, ये सब मैं कलेक्ट करके रख लूँगी एक एयर टाइट पेपर में। देखिए ये सीड्स हैं इसके, ये सीड्स आपके, देखिए ये सीड्स हैं जिससे आप अपने घर में अच्छे से इनको ग्रो कर सकते। दिख रहा है ना आपको ये छोटे छोटे बीज, ये बीज हैं इसके, और अच्छे से इनको ग्रो कर लीजिए। वो 15 अगस्त के बाद इसको ग्रो करने का मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी, सीडलिंग का वीडियो डालूँगी, जिससे आप अपने अच्छे से गर्म सर्दियों में फ्लावरिंग ले सकें। और बहुत इजीली फ्लावरिंग, और कुछ नहीं इस तरह से भी डाल दिया जाता है इन्हें। ये देखिए मैं अभी इसमें और से कलर करूँगी, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास अभी ये दो कलर हैं, वो भी देखिए कितने प्यारे हैं। इसी तरह आप इसमें सीड्स ले लीजिए, इसकी अपर ये ऊपर होता है ये, इसमें सीड्स बनते हैं। देखिए इसमें ये सीड्स होते हैं इसके, देखिए देखिए बहुत ईजिली निकलते हैं सीड्स के, देखिए ये सीड्स हैं। एक दो अगर फूलों का भी रख लेंगे तो बहुत सारे आपके पास फ्लावर हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर इन्हीं से आप ग्रो कर लीजिए और फिर फूल का मजा लीजिए। ये आपको अप्रैल तक फ्लावरिंग देगा, अगस्त में इसकी
सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगस्त नवंबर तक सीडलिंग इसकी कर लीजिए और दिसंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक ये जैसे आप लगाएंगे उस हिसाब से फ्लावरिंग मिलता है। कि सर्दियों में फ्लावरिंग ये जल्दी नहीं देते हैं, थोड़ा सा जब गर्माहट स्टार्ट हो जाती है जैसे कि दिसंबर की लास्ट वीक में, तब ये फ्लावरिंग देना शुरू करते हैं। अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं जो डालती हूँ, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, वो डालिए और जिससे फ्लावर देखिए कितने सारे आप लोगों को मिलेंगे। बहुत सारे फ्लावर हैं, देखिए ये देखिए कितने सारे फूल, छोटा सा एक सिंगल पेड़ है देखिए। और मैं सजेस्ट करूँगी एक गमले में एक ही पेड़ लगाइए कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है फूलों की। पेड़ों की देखिए फूल ही फूल दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। ये देखिए मेरा और भी हिबिस्कस का देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। और ये देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। मेरी देखिए शिमला मिर्च में भी कलियाँ आ गई हैं, वो भी देखिए कितनी ढेरों सारी, कितनी सारी शिमला मिर्च में इसमें कलियाँ हैं पूरे में। ये सब जो हम लोग घर में कंपोस्ट खाद यूज करते हैं उसका नतीजा, कोई केमिकल नहीं है। और फूल भी देखिए कितने सारे हैं, ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है। देखिए कितने सारे फूल हैं इसमें, आप भी इसी तरह इसको ग्रो कीजिए, इसकी सीड्स निकालिए। और कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।